इश्तेहार तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि मफरूर नहीं बैरून मुल्क इलाज जारी है, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए, एहतसाब अदालत का इश्तेहार जारी करने का हुक्मनामा कुल अदम करार दिया जाए। मालाकंड, सवात और कसूर में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ, प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने निजी तालीमी इदारे खोल दिए, हाजिर इंतहाई कम। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का स्कूल खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कसूर में भी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की कॉल पर चंद निजी स्कूल मालकान ने स्कूल खोल दिए। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी असूलों में अडॉप्टिंग पॉलिसी मुतारिफ, मोहल्ले का कोई भी शख्स रजाकार स्कूल ऑनर बनकर स्कूल की जांच पड़ताल कर सकेगा। रजाकार स्कूल में जाकर रिकॉर्ड उस्ताजा की हाजिरी और स्कूल का मुआयना कर सकता है। शिकायत पर मुतल्लिका स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सऊदी सफीर की मुलाकात, हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा नहीं छोड़ा ना ही आइंदा छोड़ेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को चट्टान से भी मजबूत करार दे दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बाज इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजामात पर सख्त बरहम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD की सरजनिश, सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। उस्मान गुजार का कहना था कि सफाई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कराची वाले एक बार फिर कमर कस लें, बादल फिर से बरसने को तैयार, मंगल से छठे स्पेल की एंट्री का इम्कान। मानसून का पांचवा स्पेल कमजोर पड़ने के बावजूद शहर में 30 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। शहर इक्तदार में मानसून जमकर बरसने लगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। साउथहैम्पटन टेस्ट का तीसरा रोज, कौमी टीम 223 रन, 9 खिलाड़ी आउट से आज इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। मोहम्मद रिजवान 60 और नसीम शाह 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आबिद अली ने 60 और बाबर आजम ने 47 रन स्कोर किए। इब्तदाई दो रोज बारिश से मुतासिर होने के बाद अब तक 90 ओवर्स का खेल भी ना हो सका। और टॉप सेट ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सेरेना विलियम्स को अपसेट शिकस्त। अमेरिकी टेनिस क्वीन को क्वार्टर फाइनल में हम वतन शेल्बी राजन ने 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में कोको गाव ने टेनिस के प्लेयर को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।